हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कुछ ऐसे क्रिकेटर्स की जिनमें ग्रेटनेस की सारी क्वालिटी थी, लेकिन बिकॉज उनका लक खराब था तो वो हिस्ट्री में उनका उतना नाम नहीं जितना होना चाहिए था। तो ये सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो ऐसे तो और भी ऐसे क्रिकेटर्स होते हैं, लेकिन हम लोग बात करेंगे साउथ अफ्रीका जब बैन हुआ 1970 में, तो काफी ग्रेट क्रिकेटर्स जो ग्रेट बन सकते थे उनका करियर कट शॉर्ट हो गया। तो कुछ उसमें से ऐसे हैं जो कि देवर जस्ट यू नो देवर रिमार्केबल क्रिकेटर्स, बट दुनिया शायद उनके बारे में उतना नहीं जानती। तो आज हम बात करेंगे चार ऐसे क्रिकेटर्स की, एंड दे आर बैरी रिचर्ड्स, ग्रैम पॉलक, माइक प्रॉक्टर एंड क्लाइव राइस। ये चारों साउथ अफ्रीकन्स हैं। तो जस्ट आपको एक बैकग्राउंड बता दें कि साउथ अफ्रीका क्यों बैन हुआ था। तो 1970 में साउथ अफ्रीका की टीम जो थी वन ऑफ द बेस्ट टीम थी वर्ल्ड में। उस 1970 में एक सीरीज हुई थी बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका में वो सीरीज हुई थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया कैप्टन था बिल लॉरी, एंड उस टीम में इयन चैपल एंड आई थिंक डेनिस लिली वाज आल्सो देयर, एंड इट वाज ग्राहम मैकेंजी। तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलियन टीम थी, लेकिन साउथ अफ्रीका ने उसको 4 टेस्ट मैच की सीरीज में 4-0 हराया। दे वेयर काइंड ऑफ वाइट वॉश्ड इन दैट सीरीज। सो उस टूर के पहले क्या हुआ था कि 1968-69 में एक इंग्लैंड की टीम साउथ अफ्रीका आने वाली थी, जिसमें इंग्लैंड वाज गोइंग टू सेलेक्ट अ प्लेयर कॉल्ड बैसल डी ओलिवरा। तो बैसल डी ओलिवरा जो था वो इंग्लैंड से खेल रहा था 1966 से ही, बट एक्चुअली ओरिजिनली ही वाज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ही वाज अ केप कलर्ड बोलते हैं उसको, मतलब कि ही वाज नॉट वाइट बट एक कलर्ड, ही वाज अ कलर्ड एंड ही वो केप टाउन से था, तो दीज पीपल आर कॉल्ड केप कलर्ड। सो एज पर दी अपार्थाइड पॉलिसी इन साउथ अफ्रीका एट दैट टाइम, जो कि अपार्थाइड पॉलिसी में देर वर रूल्स के ब्लैक लोग वहाँ हाईएस्ट लेवल पे टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं और क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं और सर्टेन जगह पे जा नहीं सकते हैं, मतलब उनके अगेंस्ट तो डिस्क्रिमिनेशन था। तो साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने कहा कि अगर बैसिल डी ओलिवरा सिलेक्ट होगा इंग्लैंड टीम में तो उन्होंने कहा कि बैसिल डी ओलिवरा को सिलेक्ट मत करो, क्योंकि देन हमारी अपार्थाइड पॉलिसी है उसके हिसाब से वो साउथ अफ्रीका नहीं आ सकता है। तो इंग्लैंड ने कहा कि दिस इज रॉन्ग, यू कांट डिक्टेट के हम लोग किसको सिलेक्ट करें किसको नहीं सिलेक्ट करें जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। तो उन्होंने टूर को कैंसिल कर दिया। खैर उसके बाद भी जो ये वाला ऑस्ट्रेलिया का टूर हुआ, बट तब तक अपार्थाइड के अगेंस्ट काफ़ी हंगामा शुरू हो गया था पूरे वर्ल्ड में, और साउथ अफ्रीका की जो पॉलिसी थी अपार्थाइड पॉलिसी विच वाज अ वेरी यू नो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, एंड 1970 में भी ये इस तरह की पॉलिसी उनकी चल रही थी। बाद में जिसके अगेंस्ट ऑब्वियसली नेल्सन मंडेला और सब लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। तो 1970 में ये डिसाइड हुआ कि बिकॉज टिल ये अपार्थाइड पॉलिसी खत्म करेगा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका विल बैंड फ्रॉम ऑल स्पोर्ट्स, सारे स्पोर्ट्स से उनको बैन कर दिया गया। तो 1970 के बाद से लेके 1992 तक साउथ अफ्रीका डिड नॉट प्ले अ सिंगल टेस्ट मैच, टेस्ट क्रिकेट, एनी काइंड ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ये 1970 के जो इनकी टीम थी वो बहुत ही जबरदस्त टीम थी जिसने ऑस्ट्रेलिया को 4-0 हराया था, और उसमें कुछ बहुत तो यंग प्लेयर्स थे हुए वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन विच वॉज बैरी रिचर्ड्स। सो बैरी रिचर्ड्स वॉज द ओपनिंग बैट्समैन। उसने उसी सीरीज में अपना डेब्यू किया था और सिर्फ 4 टेस्ट मैच खेला उसने पूरी लाइफ में अपना, वही 4 जो 1970 वाली सीरीज में था, और उन 4ों टेस्ट मैच में ही मेड 510 रन और समथिंग, एंड ही प्लेड सम ऑफ द यू नो एब्सोल्यूटली रिमार्केबल इनिंग्स। तो उस बेचारे का करियर तो 4 टेस्ट मैच का ही रह गया, एंड ही वॉज ओनली आई थिंक 25 एट दैट टाइम, एंड देन ही शोड हिज क्लास इन इन द इंग्लिश काउंटी क्रिकेट, और उसके बाद साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक क्रिकेट में, फिर वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट पैकर सीरीज में वो खेला। तो ही
he played a lot of first class cricket after that, but he really missed out on, you know, test cricket. अगर वो test cricket खेलता रहता तो शायद उसका नाम भी Viv Richards और Greg Chappell, Gavaskar, Miadad के लेवल का प्लेयर था वो. उसकी एक इनिंग है जब वो साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा था एंड ही वॉज प्लेइंग अगेंस्ट आई डोंट रिमेम्बर विच टीम, बट उस टीम में लिली एंड ग्राहम मैकेंजी जो कि ऑस्ट्रेलिया का उस टाइम एकदम टॉप बॉलर था वर्ल्ड, लिली एज वी नो इज वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम. उस मैच में बैरी रिचर्ड्स ने एक दिन में अकेले 325 रन बनाया था एंड उसका यूट्यूब पे वीडियो आप अगर आपको मौका मिलेगा तो जरूर देखिएगा. द वे ही वॉज टॉइंग विद द बॉलिंग और उसका सबसे खास बात क्या थी कि ही हैड सो मच टाइम टू प्ले हिज शॉट्स. तो फ्रंट फुट पे ड्राइविंग भी वैसे ही था और बैक फुट पे पुल एंड कट भी वैसे ही करता था, हुक एवरीथिंग. एंड उसका टेक्निकली ही वॉज वेरी साउंड. तो वो हैम्पशायर के लिए काउंटी क्रिकेट खेलता था और हैम्पशायर का उसका ओपनिंग पार्टनर था गॉर्डन ग्रिनिज. तो जस्ट इमेजिन करिए बैरी रिचर्ड्स और गॉर्डन ग्रिनिज, टू ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड ओपनिंग फॉर हैम्पशायर, बॉलर का क्या हाल होता होगा. तो वो इतना रन बनाने लगा और इतना इजिली रन बनाने लगा बिकॉज ही वॉज सो गुड दैट एंड ही डिड नॉट हैव एनी चांस टू प्ले एट द हाइस्ट लेवल बिकॉज साउथ अफ्रीका वॉज बैंड. तो वो बोर हो जाता था खेलते खेलते. 70s 80s में ही वुड थ्रो हिज विकेट अवे. एंड एक बार ऐसा हुआ कि उसने क्या किया कि वो बोला कि बैट के हम एज से खेलेंगे. तो उसने बैट को ऐसे घुमा लिया और ही जस्ट बैटेड विद द एज ऑफ द बैट फॉर वन और टू ओवर्स एंड ही वाज जस्ट शोइंग दैट यू नो ही कुड डू दैट एज वेल. इट वाज सो इजी फॉर हिम. तो अच्छा, वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट में भी उसको एक टॉप क्रिकेट खेलने का मौका मिला अगेंस्ट द वेस्ट इंडियन क्विक बॉलर्स एंड ऑस्ट्रेलिया का जो बेस्ट बॉलर्स था, बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड, बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. तो एक पार्टनरशिप हुई थी बिटवीन बैरी रिचर्ड्स एंड विव रिचर्ड्स फॉर आई थिंक वर्ल्ड 11 इन द पैकर सीरीज, जिसमें कि उस पार्टनरशिप में एक टाइम पे बैरी रिचर्ड्स ने 93 रन बनाया था और विव रिचर्ड्स ने सिर्फ 41 रन बनाया था. तो यू कैन इमेजिन हाउ गुड वाज बैरी रिचर्ड्स. बट सैडली द वर्ल्ड डिड नॉट सी मच ऑफ हिम, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू नो, अपार्ट फ्रॉम इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो शायद तो कभी भी नहीं खेला. तो इसमें एक इंटरेस्टिंग आपको वाकया बताते हैं कि जब हम छोटे थे और हमको क्रिकेट का कोई नॉलेज नहीं था, तो मेरे एक कज़न है, उनसे एक बार, जिनको कि काफ़ी क्रिकेट के बारे में पता था, मतलब हमको ऐसा लगता था, तो हमने उनसे एक बार पूछा कि ये आशिर भैया, ये वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन लोग कौन है. तो उन्होंने कहा कि देखो, वर्ल्ड का तीन बेस्ट बैट्समैन है और तीनों का नाम रिचर्ड्स, विव रिचर्ड्स, बैरी रिचर्ड्स एंड हेडली रिचर्ड्स. तो बाद में हमको पता चला कि हेडली रिचर्ड्स जो है एक्चुअली रिचर्ड हेडली है, जो कि बैट्समैन नहीं है, एक ऑलराउंडर है. एनीवे, तो हम आते हैं सेकंड प्लेयर पे, ग्राम पोलॉक. नाउ ग्राम पोलॉक भी उस साउथ अफ्रीकन टीम, 1970 साउथ अफ्रीकन टीम का एक ग्रेट बैट्समैन था एंड लकीली ही प्लेड 23 टेस्ट मैचेस when his career was cut short by the ban on South Africa. And in 23 tests, his average is 60.97, jo ki till some time back was the best average for anyone who has played more than 20 test matches after Don Bradman. Recently, wo record ko surpass kar diya hai Steve Smith, Brad Hodge aur Marnus Labuschagne, tino Australia ke hain, un logon ne. आई थिंक स्टीव स्मिथ का एवरेज अभी 62 या 63 है, लेकिन उस टाइम में ये रिकॉर्ड जो है, मतलब सेकेंड हाइएस्ट एवरेज आफ्टर ब्रैडमैन, दे स्टूड फॉर आई थिंक अबाउट 45 ईयर्स. तो शॉन पॉलक ने अपना यू नो क्लास दिखाया था 23 टेस्ट मैचेस में बिफोर इट ही वॉज बैंड एंड वेन द बैन हैपेंड ही वॉज ओनली 26. ग्राहम पॉलक जो था वो शॉन पॉलक का, ही वॉज द अंकल ऑफ शॉन पॉलक, मीन्स शॉन पॉलक्स फादर पीटर पॉलक, जो कि ऑल्सो साउथ अफ्रीका का फास्ट बॉलर था, तो देवर ब्रदर्स, मीन्स ग्राम पॉलक एंड पीटर पॉलक ब्रदर्स यूज टू प्ले फॉर साउथ अफ्रीका, और पीटर पॉलक का बेटा है शॉन पॉलक.
जो कि यू नो ग्रेट फास्ट बॉलर एंड ऑलराउंडर सब। तो उसके बाद वो साउथ अफ्रीका में ही डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहा, ही नेवर प्लेड इन काउंटी क्रिकेट इन इंग्लैंड। लेकिन जितने भी रेबल टीम्स आती रहती थी साउथ अफ्रीका, ही यूज टू मेक लॉट ऑफ रन अगेंस्ट देम, और वहाँ का जो करी कप है उसमें भी वो बहुत रन बनाता था। और इवन जब वो 40 व्हेन ही वाज इन 40s, ही वाज स्टिल मेकिंग हंड्रेड्स अगेंस्ट यू नो वेस्ट इंडियन रेबल टीम्स एंड इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन रेबल टीम्स। सो ही वाज दैट गुड एट दैट एज, एंड ही वाज अ लेफ्ट हैंडर। तो उसका अगर आप कभी यूट्यूब वीडियोस देखने का मौका मिले उसका, तो देखिएगा कि वो कितना वेरी लिटिल फुटवर्क, बट ही वाज 6 फुट 2 और 6 फुट 3, एंड वेरी ही यूज टू यू नो यूज अ वेरी हैवी बैट। तो जब वो मारता था तो बॉल बिल्कुल नो रेस अवे टू द बाउंड्री, एंड बहुत ही अनयूजुअल टेक्निक था, बट ही वॉज ही यूज टू डिस्ट्रॉय द बॉलिंग। तो बोथ बैरी रिचर्ड्स एंड ग्रैम पॉलक, अगर इनको मौका मिलता ना तो वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन में उनका नाम होता अभी। अब आते हैं माइक प्रॉक्टर। माइक प्रॉक्टर भी इसी टीम का पार्ट था। ही वॉज अ ऑलराउंडर एंड अ वेरी यू नो क्विक बॉलर। ही यूज टू बॉल ऑफ द रॉन्ग फुट। तो माइक प्रॉक्टर भी सब सिर्फ 7 टेस्ट मैचेस खेल पाया, और उसमें उसने 41 विकेट्स लिया है। उसका बैटिंग एवरेज भी अच्छा है, एंड ही यूज टू प्ले फॉर ग्लुस्टरशायर इन काउंटी क्रिकेट, एंड ही प्लेड फॉर मेनी ईयर्स, सो यू नो द वर्ल्ड गॉट टू सी हाउ हाउ गुड ही वॉज। तो उसका जो ही वॉज जेन्युइनली क्विक, एंड ही हैड दिस लीथल यू नो स्विंगिंग यॉर्कर्स लाइक वकार यूनुस एंड वसीम अकरम, और मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स को ही वुड आइदर यू नो बोल्ड कर देता था या LBW, एंड ही हैज लॉट ऑफ हैट्रिक्स। तो सिमिलर टू अगेन वकार एंड वसीम, और ही वॉज अ वेरी यू नो हार्ड हिटिंग बैट्समैन ऑल्सो। उसका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड अगर आपको देखते हैं तो देखिएगा कि बहुत ही जबरदस्त बैटिंग और बॉलिंग दोनों में उसका रिकॉर्ड है, एंड ही वॉज अ टेरर ऑन द काउंटी सर्किट। तो अगेन अगर वो खेला होता तो ग्रेट ऑलराउंडर्स में उसका नाम होता, हैड ही प्लेड यू नो एट द हाईएस्ट लेवल। नाउ द लास्ट वन इज अगेन ऑलराउंडर, क्लाइव राइस। नाउ साउथ अफ्रीका, ही नेवर प्लेड अ टेस्ट मैच फॉर साउथ अफ्रीका बिकॉज इसका करियर स्टार्ट हुआ था 71-72 में, जब साउथ अफ्रीका ऑलरेडी बैन हो चुका था। तो इसका लक और भी खराब था क्योंकि इसका पूरा करियर ही उस टाइम में रहा जब साउथ अफ्रीका का बैन का पीरियड था। और वेन साउथ अफ्रीका केम आउट ऑफ द बैन इन 1992 एंड प्लेड वन डे सीरीज अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, देन द कैप्टन वॉज क्लाइव राइस, और उस 3 टेस्ट वन डे में वो कैप्टन था साउथ अफ्रीका का, और उस टाइम उसका एज 42 हो रहा था। और उसके बाद जो वर्ल्ड कप हुआ 1992 में, तो ही वॉज ड्रॉप फ्रॉम द टीम, विच काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी कि वो क्यों नहीं कैप्टन है टीम का, बट उसका एज काफ़ी हो गया था उस टाइम में। तो वो उसका जो है मोस्ट ऑफ द करियर वॉज एट ऑब्वियसली साउथ अफ्रीकन डोमेस्टिक क्रिकेट और नॉटिंगम शायर इन काउंटी क्रिकेट। तो यूज टू प्ले विथ रिचर्ड हैडली। सो सोचिए ये दो ग्रेट ऑलराउंडर्स दोनों एक साथ नॉटिंगम शायर के लिए खेलते थे। नाउ क्लाइव राइस के बारे में इमरान खान का ये कहना है, अपनी बुक में उसने लिखा भी है, कि ये चारों का कंपैरिजन होता है, और इमरान खान का कंपैरिजन होता है बॉथम हैडली एंड कपिल देव से, लेकिन इमरान खान हैज रिटन दैट उसका क्लोजेस्ट जो था, क्लोजेस्ट टू हिम इन हु कुड बी कंपेयर्ड वाज क्लाइव राइस, बिकॉज ही सेज सिमिलर टू इमरान ही वाज अ वेरी साउंड बैट्समैन, मीन्स बैट्समैन विद अ वेरी साउंड बैटिंग टेक्निक, प्रॉपर बैट्समैन, अनलाइक यू नो बॉथम कपिल एंड हैडली, जो कि बैट्समैन तो बहुत अच्छे थे बट देवर मोर ऑफ यू नो डैशर काइंड ऑफ, काफी आके अटैकिंग गेम था उनका। और एज अ बॉलर ऑल्सो लाइक इमरान, मे बी इमरान वॉज क्विकर देन हिम, बट ही वॉज वेरी यू नो वेरी गुड स्विंग, एंड ही एक्चुअली इम्प्रूव्ड विथ एज सिमिलर टू इमरान खान, अनलाइक बॉथम एंड कपिल देव हु एक्चुअली काइंड ऑफ डिक्लाइंड विथ एज। सो इमरान कंसिडर्स हिम टू बी यू नो वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर्स। तो अगर वो खेलता एट द हाइएस्ट लेवल तो उसका कंपेरिजन, और
ही वुड हैव बीन इन द सेम लीग एज बॉथम, कपिल देव, इमरान खान एंड रिचर्ड हैडली, बट क्लाइव राइस का शायद बहुत कम ही लोग आज नाम जानते हैं। तो कहने की बात यह है कि देखिए, ग्रेट बनने में और महान खिलाड़ी बनने में आपकी मेहनत, आपका टैलेंट और ये सब तो होता ही है, बट ऑल्सो यू नो यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड यू हैव टू हैव द लक। ऑल दीज ग्रेट साउथ अफ्रीकन्स, दे डिडंट हैव द लक एंड द वर्ल्ड डजंट नो एज मच अबाउट देम एज द टैलेंट एंड एबिलिटी वॉज। तो आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर आप इनका जाके रिकॉर्ड्स देखेंगे और वीडियोस देखेंगे तो और भी आपको मजा आएगा। ओके देन, थैंक्स अ लॉट, बाय।